इन तस्वीरों को देखकर अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेटनरी हॉस्पिटल है या आवारा जानवरों के लिए कोई जगह, तो हम आपकी ये गलतफहमी दूर किए देते हैं। ये कोई जानवरों का अस्पताल नहीं, बल्कि मुरादाबाद का जिला अस्पताल है, जो कि आवारा जानवरों का रैन बसेरा बन चुका है। अब जरा सोचिए, अपने बीमार हजार पेशेंट को आप अच्छा और सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ सस्ता इलाज दिलाने के इरादे से सरकारी अस्पताल जाएं और वहां मरीज के बिस्तर पर आपको कुकुर महाराज यूं आराम फरमाते दिखें, तो आप क्या कीजिएगा? अब जिला अस्पताल के वृद्धावस्था वार्ड की ये तस्वीरें जिला अस्पताल प्रशासन की मुस्तैदी और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जो बिस्तर मरीजों के लिए साफ सुथरे होने चाहिए, उन पर आवारा जानवर आराम कर रहे हैं और इनको कोई हटाने वाला तक नहीं है। वहीं इस बारे में जब अस्पताल की CMS डॉक्टर संगीता गुप्ता से सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम को सूचना भेजी जा रही है कि इनको जो आवारा कुत्ते हैं और यहाँ बंदरों का भी बहुत ज्यादा आतंक फैल रहा है, तो इसके लिए कि इनको पकड़वाने के लिए कुछ करें। जो पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं वो लोग भी इनको खाना, जो बचा हुआ खाना डाल देते हैं, उससे भी ये कुत्ते आते हैं, जबकि उनको सख्त निर्देश है कि किसी भी कोई भी बचा हुआ खाना यहाँ कुत्तों को ना डाले। कभी कभी जैसे किसी काम में लगे हैं, स्टाफ नर्स की दवाई बांटने में, वार्ड बॉय वगैरह, एक्सरे कराना पेशेंट का, प्लास्टर कराने में, ऑपरेशन में, उस सब में लगे रहते हैं, तो ये बीच में एक आध कुत्ता घुस आता है। एक वो खाली वार्ड है उसमें एक कुत्ता बैठे की फोटो मुझे पता लगी है, तो फिर भी मैंने जो बंद वार्ड है, खाली है, उनके सबके कुंडे बंद करा के, दरवाजा बंद करके रखे और सभी स्टाफ को सख्त हिदायत दी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें आवारा जानवर इस अस्पताल के अंदर तो कभी मरीजों के बिस्तर पर सोते दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई भी सख्त इंतजाम नहीं किए गए। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नहीं कही जाए तो भला और क्या कहे। बहरहाल, एक तरफ जहां सूबे के डिप्टी CM खुद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार आदेशित करते रहते हैं और वक्त वक्त पर खुद भी सरकारी अस्पतालों का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर जाते रहते हैं, तो वही मुरादाबाद जिला अस्पताल की ये तस्वीरें स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के राज्य सरकार के प्रयासों को पलीता लगाती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।